ट्रॉफी स्पॉन्सर की है, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। सम्माननीय विकी भाई भुल्लर, भावी आमदार, उसी साथ साथ सभी यहाँ पर जो स्पॉन्सर है के कैटरस, छाया स्पर्श, उसी साथ साथ रिलायबल एसोसिएट्स लाइफ इंश्योरेंस, के कैटरस स्नैक्स एंड लंच होम। मैच इज ऑन, लेट्स प्ले। पिछले मैच में मेडन ओर का खिताब डालने वाले गेंदबाज विशाल को आमंत्रित किया है। एक रन के साथ शुरुआत होती हुई, इस बार फ्लाई स्लिप में अच्छा कैच लपकते हुए। पिछले मैच में मेडन ओर का किताब क्यों डाला गया डीजे मास्टर? ये कारनामा किया, विकेट प्राप्त की है। यावेला विशाल येतो चांगला चेंडू, प्रतीक जावले 9 सेकंड पर स्ट्राइक पे। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर फिर से एक बार केतन मात्रे के स्टिकर को गेंद लगती हुई। इस बार अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, एक रन जरूर प्राप्त किया, स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी तरह से हल्के हाथों से प्लेसमेंट यहाँ पर जरूरी थी, पता था उन्हें 1 रन प्राप्त करना है। इस 1 रन के साथ एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत करनी होगी, अच्छी साझेदारी बिल्ड करनी होगी, दोनों बल्लेबाजों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। इस बार अच्छा कैच, उड़ता पंजाब जिसे कहा जाता है, उन्होंने अच्छा कैच लपक लिया और विकेट प्राप्त की है अपने टीम के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी समालोचक उल्लास नगर की बुलंद आवाज सुनील सिंह, जरूर उनसे भी गुजारिश होगी कि वो आपका आवाज़ भी हमारे कानों तक जरूर पहुंचा जाए, तो जरूरी इस ओवर के बाद आपके पास माइक दिया जाएगा। इस बार फिर से एक बार करारा स्ट्रोक, तूफान को यहां पर रोक लिया है डीजे मास्टर।
जरूर यहाँ पर तूफान जैसे बल्लेबाज को आउट किया है। शानदार गेंदबाजी, आगे की आवाज होगी हमारे उल्लासनगर की बुलंद आवाज, सम्मानीय सुनील जी सिंह सर के पास ले चलता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर जी। चले सरस्वती ग्राउंड के यहाँ पर तो आई एक वीरा प्रीमियर लीग 2024 सीजन 2 रोहित फाटक गेंदबाज, काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। काफी अच्छी यहाँ पर फील्डिंग शेन वन द्वारा, सिंधी शेन वन, और रोहित ने बल्लेबाज को दबा के रखा है। और इसी के साथ काली भाव की इतनी अच्छी फील्डिंग और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा कार्तिक को। स्कोर की तरफ चले तो स्कोर हो चुका है 2 ओवर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे तो फिर से एक बार देखिए घुटना टेक, तमाशा देख कार्तिक के बल्ले से ये शानदार करारा स्ट्रोक, गेंद सीमा पार, षटकार। डीजे फिर से एक बार ऑफिशियल अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए। स्कोर रुका हुआ हमारे गुणे लेखक जी बताते हुए 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है। इस बार अगर इस संकट से बाहर निकलना है तो जरूर बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। आपने पीके पिक्चर देखी होगी, उसमें कहा गया है लम्हा लम्हा तेरा वक्त गुजर जाएगा, मार्च में तेरा एग्जाम पेपर आएगा, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लिया कर बेटा, क्योंकि तू कोई रनछोड़दार छांछड़ नहीं जो ऑलवेज कहकर फर्स्ट आ जाएगा, उसके लिए संघर्ष करना होगा। और इस 1 रन के साथ स्कोर 15 रन, भुवनेश्वर कुमार जर्सी नंबर 15।
और इसी के साथ काफी अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन रोक नहीं पाए। स्कोर की तरफ चले तो स्कोर हो चुका है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वन टू गो, एम्पायर का इशारा। और इसी के साथ लेग साइड पर एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा डीजे। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं पर ईमान बनते हैं, कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं पर ईमान बनते हैं, कहीं पर हिंदू सिख ईसाई तो कहीं मुसलमान बनते हैं। हमारी महफिल में आकर देखो रवि सर, धोनी को फॉलो करने वाले उनके भाई का फोन आया है कि रवि सर पे से कुछ कहा जाए, तो मैं फिर से एक बार कहूंगा इस महफिल में आकर देखो साकी, यहाँ इंसान ही इंसान नजर आते हैं। उनके भाई प्रवीण जी, उनका फोन आया था कि रवि भाई के ऊपर कुछ शेर अर्चक किया जाए। इस बार देखिए खड़े खड़े फिर से एक बार खेल दिया है। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह, गेंद सीमा पार। ये बार सिक्सर आता हुआ पल्ले से, छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है। स्कोर कार्ड पर 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार देखिए खड़े खड़े खेल दिया, डाउन द ग्राउंड, गेंद सीमा पार, षटकार डीजे। कोशिश कर तू आगाज कर, अंजाम हो जाएगा, तेरा प्रयास भी बेमिसाल हो जाएगा। इस बार क्या डिसीजन होगा स्पेशल अंपायर का? डीजे मास्टर विकेट यहां पर खोते हुए। है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, इंसान भी बड़ा अजीब होता है, कुछ कर नहीं पाता और नसीब को दोष देता है। पर जरूर यहां पर अपने पास स्ट्राइक रखते हुए बल्लेबाज,
स्कोर जा पहुंचा हमारे गोले लेखक सर बतलाते हुए स्कोर इसके बाद होने वाला मुकाबला राइजिंग स्टार विपक्ष जेम ट्रॉफी दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में आइए राइजिंग स्टार विपक्ष जेम ट्रॉफी EPL सीजन 2 आई एक फिर आप प्रीमियर लीग 2024 जिसमें हमें काफी सहकार्य करने वाले स्पॉन्सर लतीफ जी भाटिया सर एक्स वाला एक्सीलेंट कंप्यूटर्स प्रेजेंटेड बाय EPL सीजन 2 आइए फिर आप प्रीमियर लीग 2024 की दमदार शुरुआत यहां पर स्ट्राइक पे नितिन जर्सी नंबर 7 और उनका साथ देते हुए वंश और गेंदबाजी के लिए पीडी ऑफिशियल अंपायर हम देख रहे हैं सम्माननीय अजीत जी निकम सर महबूब सर और प्रतीक जी जाधव जिस तरह से हमारे अलीबाग में पंकज जाधव मानगांव में शुभम जाधव और उल्लास नगर में प्रतीक जी जाधव हाँ इस बार अच्छी गेंद कैप करने का प्रयास था कवर पॉइंट में फील्डर अच्छी फील्डिंग टालियों की बोछार इस बार ऑप्शन के काफी बाहर ऑफिशियल अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ इस बार लेग स्टंप के बाहर फिर से एक बार ये दूसरी गेंद खराब दिशा से भटके और अंपायर जी ने दिए वाइट के फटके तीसरी गेंद भी खराब जस्साब तारिक पे तारिक और यहां पर अंपायर अजीत जी निकम सर वाइट पर वाइट देते हुए फायदा होता हुआ बल्लेबाजी करने टीम का यहां पर मुफ्त का दिवाली का बोनस मिलता हुआ हाँ इस बार अच्छी गेंद कट किया है हल्के हाथों से फील्डर वहां पर डैड सिंह रूप में ऑफिशियल अंपायर अजीत जी निकम सर में बतलाते हुए नॉट आउट कमाल की अंपायरिंग इस तहसील में काफी नाम है अजीत जी निकम साहब का और उनके बदौलत आज मुझे यहां पर मौका मिला है आज मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंची है वो सम्माननीय अजीत जी निकम सर इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा आज उन्होंने मुझे मौका दिया है आपका एक घटक बनने का
इस बार अच्छी गेंद, एक रन से स्ट्राइक रोटेट की, स्ट्राइक पे बोला बल्लेबाज नितिन को, स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। इस बार लेग स्टंप के बाहर, ऑफिशियल अंपायर का इशारा, फिर से एक बार वाइट, गलती पर गलती, यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ा, एक्स्ट्रा के बदौलत 6 रन। फिर से एक बार, एक गलती करो हजार गलतियां करो, पर एक गलती बार बार मत करो। जाना था उल्लासनगर, पहुंच गए डोंबिवली। इस तरह की गेंद यहां पर, खराब गेंदबाजी, एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। महेंद्र सिंह धोनी, साक्षी भाभी के हीरो, जर्सी नंबर 7। इस बार खड़े खड़े खेल दिया, स्टैंड एंड डिलीवर, ये है हवाई सफर करते हुए गेंद सीमा पार, शटकार। स्कोर छलांग लगाता हुआ 13 रन। इस बार पल्लू स्कूप खेलने का प्रयास, तिलक रत्न दिलशान की याद ताजा की थी, कुछ अलग करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, डॉट गिन जाते हुए। आहा, फिर से एक बार बीट किया, ये कमबैक है गेंदबाज का, इसके पहली की गेंद के ऊपर छकाया, उसके बाद लगातार की दो गेंदें बिंदी, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। बचे हुए 18 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत, 18 गेंदे 19 रन। उर्वरित 18 चेंडू, 19 धावांची गरज आहे। एक रोमार्शक सामना आपण पाहतोय आपल्या भेटीला, नक्कीच आलाय ईपीएल सीझन 2। यस, ऑफिशियल अंपायर अजित निकम सर का इशारा, बैटिंग पावर प्ले, पावर दम दिखानी होगी बल्लेबाजी करने वाली टीम को। इस बार अच्छी गेंद, एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। चारुलता भाभी के हीरो, जर्सी नंबर 14 संजू सैमसन, स्कोर कार्ड पर आते हुए। इस बार खड़े खड़े खेल दिया, फिर से एक बार डीजे मास्टर को मौका। इस बार लीडिंग एज और बली बछली जाल में फांस लिया बल्लेबाज आउट होते हुए डीजे। जेम्स ट्रॉफी, दोनों टीम्स के कप्तानों से गुजारिश है कि टॉस के लिए है। जैम ट्रॉफी विपक्ष राइजिंग स्टार टॉस के लिए है, न्यू बैटर मैदान पर मैक्स। इस बार अच्छी गेंद, शानदार फील्डिंग, डॉट गेंद जाती हुई। डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, क्या डिसीजन अंपायर के माध्यम से, ओयूटी आउट डीजे। छोड़ दूंगा सूरज को, फोड़ दूंगा, अगर तू कहे हा जाने मन तो पहली वाली को छोड़ दूंगा। और यहां पर विकेट प्राप्त करते हुए जेएम ट्रॉफी ऑन द टॉस, चूज टू बॉल फर्स्ट, पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का मुसाफा लिया है। ट
तेरा चेंडू 12 धावांची गरज। आयला नेम चुकला, जरूरी आपण डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था विकेट कीपर के माध्यम से, पर एक रन प्राप्त किया। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 रन, 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बचे हुए 12 गेंदे और 11 रनों की जरूरत, उर्वरित 12 चेंडू 11 धावांची गरज, 12 चेंडू आणि 11 धावांची गरज। स्ट्राइक पे बल्लेबाज हम देख रहे हैं हैप्पी सिंह, उड़ता पंजाब और गेंदबाजी के लिए आते हुए तूफान सिंह। पिछले मैच में शानदार तूफान मचाया था, पर इस मैच में किस तरह की गेंदबाजी होगी, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, आगाज को अंजाम किया नहीं जाता, और जरूर यहां पर आड़े बल्ले से खेल दिया हैप्पी सिंह ने डायरेक्ट हिट, पर ऑफिशियल अंपायर निगेटिव आंसर देते हुए नॉट आउट लाइफ। जरूर यहां पर अच्छी रनिंग द विकेट, 11 गेंदे 10 रनों की जरूरत। जरूर कुशल मैच यहां पर, 25 रन, तूफान तूफान की तरह मंडराते हुए यहां पर, पर यहां पर मराठी में कहा जाता है दिवसा ढवल्या रणनची चोरी। यहां पर 11 खिलाड़ियों के बीच में से एक रन को प्राप्त कर लिया है, इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है स्कोर कार्ड पर 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 26 धावा धावपळ कवर ते आपण पाहत आहे, जिंकण्यासाठी अजून आमचे गुणलेखक सर सांगतात 6 धावांची गरज, 8 चेंडू 6 धावांची गरज। एक धाव धावसंख्येत एकनी वाढ, धावसंख्या झाली येते 27 धावा। सात चेंडू जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज, उर्वरित 7 चेंडू 5 धावा। फिर से एक बार देखिए आम तो आम गुठलियों के दाम, व्हाइट प्लस वन, अंधला मागतो एक डोला, देव देतो है दोन डोले, व्हाइट प्लस वन। यावेळेला चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, धावसंख्या एक निवार, धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या होते ती 30 धावा। स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर हमारे गुणलेखक सर जी बतलाते हुए जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज, 2 रनों की जरूरत, 6 चेंडू 2 धावांची गरज,
या वेळेला चांगल्या पद्धतीचा चेंडू